उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल किए गए हैं। प्रदेश सरकार ने 29 आईएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। बुलंदशहर के डीएम चंद्रप्रकाश सिंह अब लखनऊ के नए डीएम होंगे। अभी तक यहां के डीएम सूर्यपाल गंगवार थे। सरकार के जारी आदेश के अनुसार निधि गुप्ता अमरोहा की डीएम बनी है। घनश्याम मीना डीएम हमीरपुर, दिनेश डीएम जौनपुर, रविन्द्र मंडेर डीएम प्रयागराज और अरविंद भंडारी डीएम आगरा और नवनीत चहल डीएम आजमगढ़ बनाए गए हैं। आगरा के डीएम भानुचंद्र गोस्वामी प्रभारी राहत आयुक्त बनाए गए हैं। रविंद्र सिंह फतेहपुर के डीएम बनाए गए हैं। अरविंद कुमार चौहान शामली के नए डीएम बनाए गए हैं। अब अभी तक प्रयागराज विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष थे। इसके अलावा पीसीएस देवेंद्र पाल सिंह बदायूं के नए नगर मजिस्ट्रेट बने हैं। इस नए फेरबदल में गौतम बुद्ध नगर में तैनात अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त अनिल कुमार यादव को पदोन्नति कर लखनऊ का नया पुलिस उपायुक्त बनाया गया है। अनिल कुमार इससे पहले लखनऊ में तैनात रह चुके हैं। इसी तरह अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त के पद पर आगरा में तैनात सैफ अली अब्बास, कानपुर नगर में तैनात आरती सिंह, अंकिता शर्मा, वाराणसी में तैनात चंद्रकांत मीना, गौतम बुद्ध नगर में तैनात साद मिया खां, आगरा में तैनात सूरज कुमार राव और प्रयागराज में तैनात अभिषेक भारती को भी पदोन्नति कर उनकी वर्तमान तैनाती पर पुलिस उपायुक्त बना दिया गया है। प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को देखते हुए ये ट्रांसफर बेहद ही अहम माने जा रहे हैं।